नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम कर्नाटक के मुख्यमंत्री पी सीदारमैया को ही बनना था और वही बने इस बात को हम आप कर्नाटक के मतदाता भारतीय जनता पार्टी जितना जानती थी उससे कहीं ज्यादा जानते थे डी के शिव कुमार तब सवाल यह उठता है कि सब कुछ जानने के बाद भी डी के शिव कुमार किस बात पर अड़े थे लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या कांग्रेस के पास सीधा रमैया के अलावा कोई विकल्प अभी था शायद नहीं क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस के आला कमान हो या कांग्रेस की कर्नाटक का नेतृत्व वे सब जानते हैं कि 2024 में भी कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए लोकसभा में उसे सीटें दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सीधा रमैया ही एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं एक बड़ा चेहरा है क्योंकि सोशल जस्टिस का जो पूरा का पूरा फ्रेम राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं उसका मुफीद लीडरशिप सिर्फ सीधा रमैया के पास ही है सवाल यह है सब कुछ जानने के बाद भी डीके शिवकुमार अड़े तो अड़े क्यों रुख करते हैं 2024 का क्योंकि लोकसभा चुनाव जो होने हैं उसमें सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस को कितना फायदा होगा अभी कर्नाटक से 28 सीटें हैं और कांग्रेस के पास उसमें से सिर्फ एक है क्या कांग्रेस 10 से अधिक संसदीय सीटें हासिल करने का दांव चल पाएगी और अगर यह डील जी हां यह डील जो सीधा रमैया और डी के शिव कुमार के बीच हुई है दोनों के बीच अगर शांति रह पाई तब कांग्रेस 2024 में क्या संसदीय सीटों में 10 से अधिक का टारगेट अचीव कर पाएगी हासिल कर पाएगी आज की तारीख में अगर कर्नाटक को देखिए उसके अनेक इलाकों को देखिए छह इलाकों में जो कर्नाटक का विश्लेषण होता है उसे देखिए तो अगर यह इक्वेशन चलती है तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए संभव है कि वह दस का आंकड़ा दस संसदीय सीटों का आंकड़ा हासिल कर पाए और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर परेशानी का सबब होगा इसकी ठोस वजहें हैं। आप ध्यान से देखिए इस नक्शे को अगर हम बिदर के इलाके से चलें गुलबर्गा तक आए और नीचे वाला पूरा इलाका इस इलाके में अगर ओल्ड मैसूर और अगर आप कोस्टल कर्नाटक को छोड़ दें तो बाकी पूरे इलाके में सिदारमैया सबसे ताकतवर सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं और इसकी ठोस वजह यह है उनका लंबा कार्यकाल और जिस तरह से उन्होंने सोशल जस्टिस को नीचे तक पहुंचाया है और इस बार यह महज इत्तफाक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिंगायत नेता खुद येदुरप्पा पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने रमैया को बढ़त देने के लिए लिंगायत वोटों को शिफ्ट किया यानी जो लिंगायत वो किलिगा के पास नहीं गए वो किलिगा यहां पर कांग्रेस के पास सबसे बड़ा चेहरा डी के शिव कुमार तो अगर उन्होंने रमैया को सप, आ, सपोर्ट किया तो यह जो इक्वेशन है पूरी नक्शे पे जो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है वह बताती है कि सिद्धारमैया को छोड़ना कांग्रेस के लिए क्यों नहीं संभव था और शायद यही वजह है कि उसने सोचा कि 2024 का चुनाव कर्नाटक की जमीन से सिद्धारमैया के नाम पर ही लड़ा जाएगा एक बात जो समझ नहीं आती है राजनीति में और जिसको समझने के लिए बहुत पेचोखम लगाने पड़ते हैं कि आखिर यह हुआ तो हुआ क्यों कर्नाटक के संदर्भ में आप देखिए तो सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में भी आया होगा और मेरे को भी मत रहा है हम सबको परेशान कर रहा है कि अगर सीधा रमैया ही पहली चॉइस थे तब फिर डीके शिवकुमार शिव कुमार अड़े क्यों क्यों चार दिन तक यह पूरा निगोसिएशन चलता रहा और फिर डील हुई तो हुई क्या क्यों डीके शिवकुमार तब तक नहीं माने जब तक सोनिया गांधी ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर आश्वासन नहीं दिया क्या डीके शिवकुमार को डर था कि वह भी मुख्यमंत्री इन वेटिंग तो नहीं हो जाएंगे सचिन पायलट की तरह या फिर उनके साथ हिमाचल छत्तीसगढ़ अनगिनत इलाके मध्य प्रदेश वह सब तो नहीं दोहराया जाएगा अब आप देखिए कि डीके शिवकुमार ने इस तरह से अड़कर अपनी पावर दिखाकर हासिल क्या किया सबसे बड़ी बात एक ही उप मुख्यमंत्री यानी डी के शिव कुमार के अलावा मुख्यमंत्री पद का दावेदार कोई नहीं 2024 के संसदीय चुनाव के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के तौर पर उनका नाम तकरीबन तय माना जा रहा है इसके अलावा एक अहम फैसला जो डी के शिव कुमार करवाने में सफल रहे कांग्रेस की नीति रही है एक पद एक व्यक्ति वन मैन वन पोस्ट इस नियम को तोड़ दिया गया डी के शिव कुमार के पूरे के पूरे इस रवैये को देखते हुए डी के शिव कुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी होंगे और कर्नाटक पार्टी के प्रमुख भी आपको याद दिला दें कि यही डील राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने लिए नहीं कर पाए थे जब उस समय कांग्रेस ने कोशिश की थी कि वह कांग्रेस प्रमुख बन जाएं, कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन उस समय अशोक गहलोत चाहते थे कि वह मुख्यमंत्री भी बने रहें, कम से कम तब तक जब तक उनका अध्यक्ष पद तय न हो जाए लेकिन यहां डी के शिव कुमार ने इस मामले में कांग्रेस की इस नीति में यह परिवर्तन कराया वह चाहते थे कि पार्टी यह उन्हें आश्वासन दे कि किसी भी विपरीत कार्रवाई के समय पूरी पार्टी उनका समर्थन करेगी ध्यान से देखिए उनका यह बयान बार बार जीत के बाद वो दोहराते रहे कि किस तरह से सोनिया गांधी उनसे मिलने जेल पहुंची थी और उन्होंने सोनिया गांधी ने उनसे आग्रह किया था कि कर्नाटक को वह जीतकर वापस दें जिस वादे को उन्होंने पूरा किया यहां एक बात और बहुत ध्यान में रखने की है जिसे लेकर कांग्रेस में तगड़ा मंथन भी चला इन चार दिनों में मोदी सरकार ने अपना कर्नाटक का दाव तुरंत ही चल दिया जैसे ही कांग्रेस के पास सत्ता आई हम सबने देखा कि सीबीआई प्रमुख के रूप में कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को बैठा दिया गया और प्रवीण सूद का डीके शिवकुमार से जो प्रेम है वह जगजाहिर है इस तरह से तंग किया था डी के शिव कुमार को कि उन्होंने एक जगह यह भी बोला कि प्रवीण सूद बहुत ही नालायक व्यक्ति हैं और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर हिसाब किताब किया जाएगा अब आप देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस इधर आई उधर वह बैठ गए सीबीआई प्रमुख होते हुए और इन सब के पीछे की जो कहानी रही उसने भी डीके शिवकुमार को उनकी जो पूरी उम्मीदवारी थी उसे कमजोर किया क्योंकि कांग्रेस यह जानती है कि अगर डी के शिव कुमार इस समय बैठाए जाते हैं तो सीधा रमैया के अलावा बीजेपी के लिए मोदी सरकार के लिए यह खुला मैदान हो जाएगा कर्नाटक का खुला मैदान और इसमें बार बार बैठकों में दुहाई दी गई दिल्ली में दिल्ली की केजरीवाल सरकार के साथ जिस तरह से रवैया है जिस तरह से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल के भीतर हैं, सतेंद्र जैन जेल के भीतर हैं, इस तरह का कोई जोखिम लेने के लिए ना राहुल गांधी तैयार थे और ना ही प्रियंका गांधी अब इन चार दिनों में जो दाव चले हैं जिस तरह के कयास लगे हैं उसके हिसाब से अगर सुना जाए कि क्या क्या बहसें हुई या जो सुनाने की कोशिश हो रही है उसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे हों जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं या फिर सोनिया गांधी इनको बताया जाता है कि ये डी के शिव कुमार की तरफ थे जबकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सीधा रमैया के पक्ष में थे सवाल है यह सब कयास हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सब कुछ होने के बावजूद कांग्रेस सीधा रमैया का दामन नहीं छोड़ पाई और हम सब जानते हैं कि उसकी ठोस वजह क्या है अब ध्यान से देखिए यह कोस्टल कर्नाटक यानी समुद्री तट से जुड़ा हुआ कर्नाटक इस इलाके में न सीधा रमैया बहुत मजबूत हैं और ना ही डी के शिव कुमार यहां का जो अपना नेतृत्व है कांग्रेस का और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुसलमानों को लंबे समय से निशाने पर लिया उससे एक बड़े पैमाने पर मतदाता थक चुके थे ऊब चुके थे जिसकी ठोस परिणति इस बात में हुई कि यहाँ पर कांग्रेस के सीटें बढ़ी वोट परसेंटेज बढ़ा और भाजपा नीचे गई लेकिन वहीं यह ओल्ड मैसूर का इलाका यह है वकीलगा इलाका यह है डीके के शिव कुमार का इलाका और यहां पर कांग्रेस को जो बढ़त मिली कांग्रेस की जो वोट परसेंटेज बढ़ा कांग्रेस की जो सीटें बढ़ीं उसका बहुत बड़ा श्रेय सीधे सीधे डीके के शिव कुमार को जाता है और यही उन्हें एक मजबूत ऑर्गेनाइजर के तौर पर स्थापित करता है सवाल यह कि यह जो दो बड़े चेहरे हैं एक तरफ सीधा रमैया, जिनकी छवि बहुत ही निर्भीक निडर कनडिगा परंपरा का वाहन करने वाले राजनीतिक नेता के तौर पर है वह सोशलिस्ट नेता हैं, भ्रष्टाचार का कोई उन पर आरोप नहीं है उन्होंने कर्नाटक की जमीन पर जी हां ध्यान दीजिए कर्नाटक की जमीन जब मैं कहती हूं राजनीतिक जमीन जब मैं कहती हूं उसका साफ साफ मतलब है कि यहां पर जो राजनीति चल रही थी अभी भी जो बहुत प्रमुख है लिंगायत और वो किलिगा दो जातिगत समूहों से उस राजनीति को बाहर निकालने के लिए जो इन्होंने अहिंदा कास्ट इक्वेशन शुरू किया वह अभी तक बहुत बड़े पैमाने पर सफल है इस अहिंदा में जिस तरह से उन्होंने उन तमाम तबकों को जोड़ा खुद सीधा रमैया आते हैं कुर्बा समाज से लेकिन उनके साथ जुड़े अल्पसंख्यक और शायद कर्नाटक में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया गया इस बार चुनाव में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस को वोट दिया दूसरी तरफ हिंदा यानी पिछड़ी जातियां और दलित इनका जो इक्वेशन है इनका जो गठबंधन है वह निश्चित तौर पर इस सोशलिस्ट नेता के पक्ष में खड़ा होता है इसके साथ जो एक खासियत है जिसके लिए सिद्धारमैया को सिर्फ कर्नाटक ही नहीं देश भर में जाना जाता है वह है इनकी जनपक्षधर नीतियां जिसे लेकर बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने दाव भी चला इन चुनाव में उनका जो बोल्ड स्टैंड है सांप्रदायिकता से वो कहीं भी झुकते हुए नहीं बल्कि सीधे टक्कर लेते हैं और वहीं देखिए डी के शिव कुमार इनके पास है मनी पावर मसल पावर और संगठन की शक्ति मोदी सरकार ने जितना इन्हें घेरा यहां तक कि जेल भी भेजा लेकिन यह लड़ भिड़ कर वापस आए और सबसे बड़ी सांगठनिक विजय इनको मिली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह से उन्होंने डिजाइन किया पूरे कर्नाटक में जिसका सीधा असर इन चुनाव में भी देखने को मिला एक आखिरी बात यह कि क्या कर्नाटक 2024 में कांग्रेस के भविष्य को बुलंद करेगा शायद उससे पहले कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जिस तरह की टसल चल रही है यहां पर तो यह विवाद उसने चार पांच दिन में निपटा दिया लेकिन राजस्थान हो छत्तीसगढ़ हो मध्य प्रदेश हो वहां पर कांग्रेस के खिलाफ जो कांग्रेस लड़ रही है उस पर अगर राष्ट्रीय नेतृत्व चुप रहता है या कुछ नहीं करता तब 2024 में उसके संकट और गहराएगा भविष्य उतना उज्जवल नहीं होगा जितना कर्नाटक दिखा रहा है शुक्रिया